नैमिषारण्य में सुत गोस्वामी के चरणों में बैठकर ऋषि मुनियों ने जिज्ञासा की कि आप सारात सारवताम, सभी वेद और शास्त्रों का जो सार है, उस सार का भी सार भुवन मंगल भुवन पावनी भूमंडल को पवित्र करने वाली कोई सुंदर कथा सुनाइए। तब श्री सुत गोस्वामी नारद मुनि और भगवान नारायण का इतिहास सुनाते हैं, किस प्रकार से नारद मुनि विचरण करते हुए बद्रीनाथ में गए और बद्रीनाथ धाम में संसार के समस्त जीवों के दुखों से दुखित होकर नारद मुनि ने जिज्ञासा की कि इस दुनिया के मनुष्य को सुखी करने के लिए आप कोई कथा सुनाइए। तब भगवान नारायण ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और प्रणाम करते उन दो श्लोक में कहा कि पुरुषोत्तम नमस्तु, मैं पुरुषोत्तम को नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जिस भगवान से पुरुषोत्तम की लीला कथा गुण रूप नाम सब अनंत है, उसे वाणी से बांध पाना कठिन है। जब पुरुषोत्तम की बात आई तब नारद मुनि ने भगवान नारायण से कहा, रुकिए प्रभु, पहले मुझे ये बताइए कि ये पुरुषोत्तम क्या है। वैसे तो बहुत कुछ सुना हूँ लेकिन पुरुषोत्तम ये नाम मैं प्रथम बार सुना हूँ। तो ये पुरुषोत्तम क्या है, ये पुरुषोत्तम मास क्या है, इसके विषय में कृपया करके आप हमें सुनाइए। तब बद्रीनाथ धाम में भगवान नारायण नारद मुनि से कहते हैं कि नारद, ऐसा ही प्रश्न एक बार अर्जुन ने कृष्ण से पूछा था। अब देखो, कथा के अंदर कथा, उसके अंदर कथा, उसके अंदर कथा, उसके अंदर एक कथा, इसलिए आप खो मत जाइएगा। डिब्बे के अंदर डिब्बा, उसके अंदर डिब्बा, उसके अंदर, मतलब जो मणि होता है ना, उसको बहुत अंदर 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 रखा जाता है। तो ये पुरुषोत्तम महिमा जो है ये कोई बाहर नहीं है, इजी नहीं है, ये बहुत अंदर छिपी हुई है। तो एक तो वेदव्यास मुनि ने लिखा प्रथम संवाद, सूत वेदव्यास मुनि कहते हैं कि सूत जी ने कहा, सूत जी कहते हैं कि ये कथा भगवान नारायण ने सुनाई, और भगवान नारायण कहते हैं कि ये कथा स्वयं भगवान पुरुषोत्तम ने ही सुनाई। पुरुषोत्तम महिमा स्वयं भगवान पुरुषोत्तम, भगवान श्री कृष्ण ही यह पुरुषोत्तम की महिमा अर्जुन से सुनाते हैं। तो ये किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पुरुषोत्तम महिमा सुनाई, बहुत सुंदर बृहद नारदीय पुराण में वर्णन है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, येष गुह्यतरो लोके ऋषीणामपि दुर्घटः तथापि वक्षे मित्रत्वात् तथापि वक्षे मित्रत्वात् भक्तत्वाच तवार्जुन भक्तत्वाच तवार्जुन। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से पुरुषोत्तम महिमा बताते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, ये पुरुषोत्तम महिमा जो है, येष मतलब ये जो पुरुषोत्तम महिमा, गुह्य तरो लोके, अर्जुन ये पुरुषोत्तम महिमा इस लोक में, इस संसार में गुह्य ही नहीं, गुह्यतम नहीं, गुह्यतर है। तीन होता ना, एक होता है गुह्य, गुह्यतम और गुह्यतर। तो ये कृष्ण ये पुरुषोत्तम महिमा जो है, ये गुह्यतरो लोके, परम गुह्य है। अर्जुन ने कहा कि भाई ऋषि मुनियों को तो पता होगा ना, बड़े बड़े दाढ़ी वाले, दाढ़ी मूछ वाले, जटाजूट वाले ऋषि मुनि जानते होंगे। बोले नहीं अर्जुन, ऋषिणाम अपि दुर्घटः, ऋषि मुनि भी बहुत बहुत बातें जानते हैं, ऋषि मुनि भी बहुत बहुत कथाएं जानते हैं, लेकिन पुरुषोत्तम महिमा ये तो ऋषि मुनि भी नहीं जानते हैं। तो येष गुह्य तरो लोके ऋषिणाम अपि दुर्घट, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी इस गुह्य रहस्य को, गुह्य तर रहस्य को नहीं जानते। तथापि फिर भी
बड़े बड़े ऋषि मुनि भी इस पुरुषोत्तम महात्म्य को नहीं जानते, तथापि फिर भी वक्षिये मैं तुम्हें कहूंगा अर्जुन, फिर भी मैं तुम्हें यह पुरुषोत्तम महिमा सुनाऊंगा। क्यों? इसके तीन कारण है। इसका सर्वप्रथम कारण कि अर्जुन तुमने मुझसे जिज्ञासा की है, अर्जुन ने पूछा था। अब प्रसंग कुछ इस प्रकार का था। अब आपके मन में प्रश्न भी होगा कि कृष्ण और अर्जुन का ये संवाद कहाँ बैठकर हुआ? हस्तिनापुर में बैठे थे, कुरुक्षेत्र की रणभूमि में थे, द्वारिका में थे, आखिर ये संवाद कहाँ हुआ? तो इसी बृहद नारद ये पुराण में कथा आती है, बहुत सुंदर ये कथा आती है कि जब दुर्योधन के छल कपट करने से मामा शकुनी को साथ में लेकर जैसे तैसे पांडवों के साथ धर्मराज युधिष्ठिर के साथ द्रुत क्रीड़ा वह जुआ खेला और जुए में दुर्योधन ने पांडवों को हरा दिया, इवन पांडव स्वयं अपने आप को हार गए, अपने राज्य को हार गए, अस्त्र शस्त्र को हार गए, अपनी पत्नी द्रौपदी को हार गए, फिर उस भरी सभा में द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का प्रयास किया गया, लेकिन जैसे तैसे भगवान कृष्ण आए और द्रौपदी की रक्षा हुई। तिस पर भी पांडवों को दुर्योधन ने वनवास दिया, पांडव 12 वर्ष तक वनवास और 13वां वर्ष अज्ञातवास। इस वनवास के दौरान बड़ी दारुण परिस्थिति का वर्णन बृहद नारदीय पुराण में किया गया है। उस समय पांडवों की हालत बड़ी दारुण थी, उनको रहने के लिए कोई कुटिया नहीं, खाने के लिए भोजन नहीं, बड़ी बड़ी जटाजूट बढ़ गई थी, ठीक से वस्त्र नहीं, बड़े बड़े करुण दृश्य उत्पन्न हो चुका था पांडवों के लिए। और ऐसा वर्णन है कि उसी समय भगवान कृष्ण कुछ ऋषि मुनियों को साथ में लेकर पांडवों की खबर लेने के लिए वन में गए। उस वन में पांडवों को अत्यंत कष्ट सहन करते हुए देखकर, अत्यंत गंभीर हालत में देखकर भगवान श्री कृष्ण को क्रोध आ गया। पांडव सामने खड़े हैं और कृष्ण पांडवों के चेहरे देख रहे हैं, इनमें से कोई राजा पांडु का पुत्र नहीं लग रहा है। किसान जो मजदूर होते हैं उस मजदूर से भी बड़ी दरिद्र हालत हो चुकी थी पांडवों की, और भगवान श्री कृष्ण के हृदय में बड़ा कष्ट हुआ और कृष्ण इतने क्रोधी हो गए। अब कृष्ण ने कहा कि मुझे कोई परेशान करता तो मैं सहन कर लेता, लेकिन मम प्राणा ही पांडवा, मेरे प्राण के समान, मेरे प्राण तुल्य पांडवों को किसी ने परेशान किया है, मैं सहन नहीं करूंगा। और उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अब मैं दुर्योधन का विनाश कर दूंगा और दुर्योधन समेत ये पूरी धरती का विनाश कर दूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं कारम करालम, मैं काल का भी काल हूं, अभी सुदर्शन चक्र उठाऊं और संसार का विनाश करूं। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जब उग्र हुए तब दोनों हाथ जोड़कर अर्जुन कृष्ण के चरणों में गिर गए। प्रभु आप मुझे क्षमा कीजिएगा, लेकिन आप हमारी स्थिति को देखकर परेशान हो रहे हैं और आप पूरे संसार का प्रलय करना चाहते हैं, पूरे संसार को आप जला दोगे। तो प्रभु एक मच्छर को मारने के लिए कोई घर थोड़ी जलाता है। बहुत सुंदर अर्जुन ने कहा, मुझे श्लोक बहुत अच्छा लगा कि किसी के घर पर एक मच्छर मॉस्किटो आ गया हो, उस एक मच्छर को मारने के लिए कोई अपना पूरा घर जला देगा? प्रभु ये दुर्योधन आपके लिए है क्या? प्रभु ये दुर्योधन आपके लिए एक मच्छर है और एक मच्छर से परेशान होकर पूरी दुनिया को जलाना ये ठीक नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में दुर्योधन जैसे बुरे लोग तो हैं, लेकिन इस दुनिया में प्रभु अच्छे लोग भी बहुत हैं। इस दुनिया में सुंदर मंदिर है, आपकी पूजा होती है, भक्ति होती है, आपके साधु संत महात्मा अनेकों लोग हैं। तो प्रभु आप उस दुर्योधन की चिंता न करें और हमारी चिंता न करें प्रभु। प्रभु बस हम आपके चरणों में निवेदन करते हैं कि इस दारुण परिस्थिति हमारे जीवन में क्यों आई और इस दारुण परिस्थिति से मुक्त होने के लिए हमें क्या करना चाहिए। जिस प्रकार से कल नारद मुनि ने भगवान नारायण को जिज्ञासा की, ठीक उसी प्रकार आज अर्जुन वैसी ही जिज्ञासा भगवान कृष्ण से करते हैं। और भगवान कृष्ण अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए पुरुषोत्तम मास की महिमा स्वयं भगवान योगेश्वर
भगवान कृष्ण अर्जुन से सुनाते हैं, और सुनाते हुए प्रारंभ यहाँ से करते हैं कि हे अर्जुन, ये गुह्य मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूँ, ये गुह्यतर इस लोक में ये कथा गुह्य है। ऋषिणाम अपि दुर्घट, बड़े बड़े ऋषियों ऋषि मुनियों को भी ये कथा दुर्लभ है। तथापि फिर भी अर्जुन वक्षिये, मैं तुम्हें ये कथा सुनाऊंगा, क्योंकि उसके तीन कारण। एक तो अर्जुन ने जिज्ञासा की और अर्जुन ने कृष्ण को प्रसन्न किया। एक देखिए इस संसार में चाहे कृष्ण हो या कृष्ण के कोई शुद्ध भक्त हो, कोई साधु संत महात्मा हो, वो छोटी मोटी बात बोलकर वहाँ से निकल लेंगे, वो हमको फुसला देंगे। लेकिन यदि हम किसी साधु संत महात्मा को सेवा करके प्रसन्न कर लेंगे तो वह गुह्यतर वे गुह्यतम बात बता देंगे, वह गूढ़ से गूढ़ रहस्य हमारे सामने खोल देंगे। इसलिए प्रथम शिक्षा यहाँ से हम सबको लेनी, मुझे भी हम सबको लेनी है कि यदि हम गुह्य ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो किसी साधु संत महात्मा को प्रसन्न करना चाहिए। प्रसन्न करने के लिए उनकी सेवा करनी चाहिए, सेवा से प्रसन्न करें ताकि वो प्रसन्न चित्त से अपना गुह्य ज्ञान प्रदान करें। यह सिद्धांत शौनक आदि ऋषि मुनियों ने सूत जी से कहा था। शौनकादि ऋषि ने कहा था कि ब्रहु स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरव गुह्यम अपनुत। बहुत सुंदर बात मुझे तत्कालीन याद आ रही है कि हे सूत जी, वो सिद्धांत बताते हुए कहते हैं कि गुरु जो है गुह्यम अपनुत, कोई गुरु अपने शिष्य को गुह्य बात कब बताता है? जब उनका शिष्य स्निग्ध माने जैसे तेल या घी जैसे बहता है, ठीक उसी प्रकार जो गुरु के पद चिन्हों पर चलकर गुरु को सेवा से प्रसन्न कर लेता है तो गुरु गुह्य से भी गुह्य बात अपने शिष्य के सामने प्रकट कर देते हैं। बाकी सबको नहीं बताते, गुह्य बात सबको नहीं बताई जाती। जैसे हमें कोई रास्ते में मिले तो हम अपना नाम बताएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हम अपना मोबाइल नंबर किसी को देंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने घर का एड्रेस दे देंगे। लेकिन आप अपने बैंक का अकाउंट नंबर किसी को तुरंत दे दोगे? अपने बैंक का ऑनलाइन आईडी और पासवर्ड आप किसी को बता दोगे? या अमेरिका वाले सोशल सिक्योरिटी नंबर बता देंगे किसी को? तो गुह्य जो बातें हैं वो समाज में लोगों के सामने प्रकट नहीं की जाती। लेकिन हाँ, जब कोई शिष्य अपने गुरु को सेवा से प्रसन्न कर लेता है, साधु को प्रसन्न कर लेता है, तब वह गुरु या साधु गुह्य से गुह्य रहस्य को खोल देते हैं। तो यहाँ पर तीसरी लाइन में तथापि वक्ष्ये, हे अर्जुन फिर भी वक्ष्ये, मैं बोलूँगा, मैं तुम्हें बताऊँगा। क्यों? क्योंकि तुमने मुझे प्रसन्न किया है। एक, ठीक है। दूसरा कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन मैं तुम्हें ये गुह्य रहस्य बताऊंगा। क्यों? क्योंकि मित्रत्वात्, हे अर्जुन तुम मेरे मित्र हो। भक्तों, इस संसार में कोई गुरु को हम प्रसन्न करके गुह्यतर बात सुन भी ले, लेकिन वह शास्त्र की बात तब तक हमें समझ में नहीं आएगी या हमारे जीवन में नहीं उतरेगी जब तक हम भगवान के मित्र नहीं बन जाते। मित्र इन द सेंस, केवल मित्र नहीं, मित्र माने संबंध। जब तक हम कृष्ण के साथ संबंध नहीं जोड़ लेते तब तक गुरु कितनी भी बड़ी बात करे हमारे पल्ले पड़ने वाली नहीं है। इसलिए वेद शास्त्रों को समझने के लिए सबसे पहले भगवान से मित्रता, केवल मित्रता नहीं, भगवान की दास्तान या भगवान से वात्सल्य, साख्य, माधुर्य, किसी भी प्रकार का कृष्ण से कोई संबंध जोड़े, तब जाकर ये वेद शास्त्र हमें समझ में आएंगे। ऐसा ही श्लोक भगवद गीता में भी है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, भक्तो सीमे सखा चेती, अर्जुन तुम मेरे सखा हो इसलिए बता रहा हूँ। तो रहस्य, शास्त्रों के रहस्य हमारे हृदय में तब खुलेंगे जब हम भगवान से संबंध जोड़ेंगे, अन्यथा हम दूर दूर से सुनते रहेंगे, बस केवल इस कान से डालकर यहाँ से बाहर। लेकिन जब संबंध जोड़कर, भगवान के साथ संबंध स्थापित करके जब शास्त्र सुनेंगे, तब जाकर वह शास्त्र में आनंद आएगा, उसे हम समझ पाएंगे।
तो दूसरा पॉइंट कहा कि हे अर्जुन, मैं तुम्हें यह गुह्य रहस्य बता रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे मित्र हो, क्योंकि तुम्हारा मेरे से संबंध है। और तीसरा, भक्तत्वाच्च तवार अर्जुन, हे अर्जुन मैं तुम्हें यह बता रहा हूँ इसका तीसरा कारण भक्तत्वात्, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो। वेद और शास्त्र को यदि जानना है समझना है, या भगवान को यदि जानना है समझना है, तो इसके लिए एक ही मार्ग है, एक ही तरीका है, और वो है भक्ति। बिना भक्ति किए वेद शास्त्र को हम पूर्ण समझ नहीं पाएंगे। हाँ, इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो सकती है, जैसे मैं कल कह रहा था ना, हम शरीर नहीं आत्मा है कौन नहीं जानता, हम शरीर नहीं आत्मा ही ये कौन नहीं जानता। ये जानने पर भी हम लोग रात दिन शरीर के लिए मर रहे हैं, शरीर के पीछे पड़ रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि हम शरीर नहीं हम आत्मा है, ये मात्र इन्फॉर्मेशन हमको मिली है, ये जीवन में अप्लाई नहीं हुआ है। यदि इसे जीवन में अप्लाई करना है तो भक्ति करनी होगी। केवल नॉलेज से काम नहीं बनेगा प्रभु, केवल नॉलेज से काम नहीं होगा, नॉलेज के साथ साथ भक्ति करनी। इसलिए भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतम। अर्जुन, दुनिया के लोग मुझे कोई समझ नहीं सकते, लेकिन हाँ, मुझे समझने का एक तरीका है, और वो तरीका क्या है? भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं अर्जुन भक्तिया माम अभिजानाति, यदि कोई मेरी भक्ति करे तो भक्तिया माम अभिजानाति, भक्ति के द्वारा मुझे जाना जा सकता है, मुझे समझा जा सकता है। इसलिए यहां पर इस श्लोक में तीसरा कारण कहते हैं भक्तत्वात्, हे अर्जुन तुम मेरे भक्त हो, तुमने मुझे प्रसन्न किया है, अर्जुन तुम्हारा मुझसे संबंध है और तुम मेरे भक्त हो, इसलिए ये गूढ़ रहस्य की बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। क्या रहस्य बताने जा रहे हैं? तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन इस दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं, उन सारी वस्तुओं के कोई ना कोई अधिष्ठाता देव है। पहले तो इस संसार में अनेक वस्तुएं हैं, जो सारी वस्तुएं हम देखते हैं कि पूजनीय है। वे कहते हैं वनस्पति पुरा ग्रामा गिरयः पतत नानिच एते सर्वे मूर्तिमंत पूज्यन्ते स्वात्मनो गुणे भगवान कृष्ण अब गुह्य रहस्य प्रारंभ करते हैं, ओपनिंग कर रहे हैं कि हे अर्जुन इस दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं, ये सारी वस्तुएं पूजनीय हैं क्योंकि उनके कोई ना कोई अधिष्ठाता देव है। भगवान श्री कृष्ण अनेक श्लोकों में लंबा लिस्ट निकालते हैं। सर्वप्रथम ये जितने भी महीने हैं, कार्तिक मास शीर्ष पोष माह फाल्गुन वैशाख, ये 12 महीने के कोई ना कोई अधिष्ठाता देवता है, तो प्रत्येक महीने के अधिष्ठाता देवता है। फिर आगे कहते हैं कि ये जो निमिष है, ये जो आंख की निमिष गिरती है, तो इस निमिष के अधिष्ठाता देवता निमि महाराज है। तो 12 महीनों के कोई ना कोई अधिष्ठाता देव है, निमिष के अधिष्ठाता देव है। एक महीने में दो पक्ष होते ना, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, ये दोनों पक्ष के भी अधिष्ठाता देव है। जैसे माँ गंगा है तो गंगा का भी अधिष्ठाती देवी गंगा देवी, जैसे तुलसी है तो तुलसी की अधिष्ठाती देवी वृंदा है। इस दुनिया में प्रत्येक वस्तु के कोई ना कोई अधिष्ठाता देव है। घड़ी, प्रहर, त्रिप्रहर, मुरहुत, इन सब के अधिष्ठाता देव है। मुरहुत के भी अधिष्ठाता देव होते हैं। फिर ऋतु, ये हमारे भारतवर्ष में 6 ऋतु ये होती हैं, इन ऋतु के भी अधिष्ठाता देव हैं। अब किसके कौन से अधिष्ठाता देव हैं, ये एक अलग चैप्टर है, इसको फिर कभी हम सुनेंगे। लेकिन कृष्ण केवल इतना कहना चाहते हैं कि इन सब के कोई ना कोई अधिष्ठाता देव है। दक्षिणायन के अधिष्ठाता देव हैं, उत्तरायण के अधिष्ठाता देव हैं, वर्ष
ये जो ईयर होता है ना, ईयर 2020, वर्ष के भी अधिष्ठाता देव होते हैं। सतयुग का अधिष्ठाता अलग है, द्वापर का अलग है, त्रेता का अलग है, कलयुग का अलग है, युग के भी अधिष्ठाता देव हैं। प्रत्येक नदी के अधिष्ठात्रा देवता होते हैं, मतलब देवी होती है, नदी स्त्रीलिंग है। तो नर्मदा की अधिष्ठाती देवी अलग, यमुना की यमुना देवी, गंगा की गंगा देवी, धेनुमती गोमती की गोमती, तो सभी नदियों की अधिष्ठाती देवी। समुद्र का अधिष्ठाता देव हम लोग सुना करते हैं वरुण देवता, वरुण देव जो है समुद्र के अधिष्ठाता देव है। तालाब, हमारे वहां जो तालाब होते हैं, तालाब के भी अधिष्ठाता देव होते हैं। फिर कुएं के भी अधिष्ठाता देव होते हैं, जब कुआं खोदते हैं ना तो कुएं के जो अधिष्ठाता देव होते हैं उसकी पूजा करके कुआं खोदा जाता है, तब पानी निकलता है, नहीं तो केवल हवा निकलती है। अरे कुआं छोड़ो, बावड़ी बोरिंग जो होता है ना, बोरिंग का भी अधिष्ठाता देव है। कुएं का अलग, बोरिंग का अलग। अरे छोटे छोटे जो गड्ढे होते हैं, छोटे छोटे गड्ढे है, उनके भी अधिष्ठाता देव होते हैं। सोते के अधिष्ठाता देव, लता छोटी छोटी लता के भी अधिष्ठाता देव, औषधियों के भी अधिष्ठाता देव होते हैं। औषधियों के अधिष्ठाता देव चंद्रमा है। फिर वृक्षों के अधिष्ठाता देव है बांस के अधिष्ठाता देव, इन सब के अधिष्ठाता देव। और फिर कृष्ण यह श्लोक कहते हैं कि वनस्पतियों के अधिष्ठाता देव होते हैं अर्जुन। केवल वनस्पति नहीं, पूर माने नगर है ना, जमशेदपुर, पूर माने नगर, तो नगर के भी अधिष्ठाता देव होते हैं। ग्राम गांव के भी अधिष्ठाता देव होते हैं। जैसे कल मैंने कहा था कि नवदीप धाम की अधिष्ठाती देवी पोढ़ा माँ है ना, तो प्रत्येक गांव की भी अधिष्ठाती देवी या देवता होते हैं। गिरयः पतनानी च, गिरी के भी अधिष्ठाता देव होते हैं। और पर्वत पतनानी च, पतन माने पर्वत के भी अधिष्ठाता देव होते हैं। देखिए संस्कृत में पर्वत को पतन कहते हैं क्योंकि ये पहले उड़ते थे। आप जानते हैं ये जितने भी पर्वत दुनिया में दिख रहे हैं ना, ये सभी पर्वत को पंख हुआ करती थी, वो पंखों से पक्षियों की तरह पर्वत उड़ते थे। लेकिन ये क्या करते थे, ये पर्वत उड़ते उड़ते किसी की लैंड में जाकर, किसी की प्रॉपर्टी में जाकर बैठ जाते। बेचारे जिसकी प्रॉपर्टी में पर्वत बैठता वो तो उठ ही जाता, इतनी महंगे भाव की प्रॉपर्टी, पर्वत आकर बैठ गया। रातों रात पर्वत उड़कर कहीं और जाकर बैठ जाता तो वो लैंड वाला रातों रात धनी हो जाता और दूसरा वाला कंगाल हो जाता। व्यवस्था बिगड़ रही थी तब देवराज इंद्र ने अपने वज्र से पर्वतों के पंख काट दिए, तब से पतनानी पर्वत गिर गए और सारे पर्वत एक जगह पर स्थित हो गए, अतः पतनानी च। तो वनस्पति, पूर, ग्राम, गिरी, पर्वत, एते सर्वे मूर्तिमंतः। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन एते ये सब सर्व मूर्तिमान पूज्यते स्वात्मनो गुणे, ये सब लोग पूजनीय है, इन सब की पूजा होती है। ये जो पूरा लिस्ट गिनाया गया इस प्रकृति में, इन सब की पूजा होती है। जो आस्तिक श्रद्धालु जन है वेदों के अनुसार इन सब की पूजा करते हैं। और इसको और दृढ़ करते हुए अगले श्लोक में कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, देखिए श्लोक बदल गया है, कहते हैं कि न तेषाम, अर्जुन ये जितने भी वस्तुएं हैं, न तेषाम कश्चित अपि अस्ति ही अपूर्व स्वामी वर्जिता। इस दुनिया में कभी ऐसा नहीं हुआ कि इन लोगों की पूजा न की गई हो। अर्थात ये वनस्पति, ये पूर, ये ग्राम, ये पर्वत, गिरी, समुद्र, नदियां, इन सब की पूजा होती है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि इन लोगों की पूजा न होती हो। क्यों? क्योंकि ही पूर्व स्वामी वर्जित। और ऐसा भी नहीं हुआ कि ये सारे लोग अपने अपने अधिष्ठाता देवता से वर्जित हो। अर्थात इन सब के अधिष्ठाता देव है। इनमें से कोई भी व्यक्ति स्वामी वर्जित, मतलब अपने स्वामी से वर्जित नहीं है। इन सभी वस्तुओं के कोई ना कोई स्वामी है, इन सभी वस्तुओं के कोई अधिष्ठात्रा देव है, कोई ना कोई उसके ऊपर उनका आश्रय है। और स्वे स्वे अधिकारे
सततम पूजन्ते फलदायिना। तो ये छोटी छोटी वस्तु भी पूजनीय हो जाती है, क्यों? क्योंकि ये सब किसी ना किसी के आश्रय में रहती है, किसी के आश्रय में रहने के कारण ये सब वस्तु पूजी जाती हैं। और आगे कहते हैं, स्वस्वामी योग महात्म्यात् सर्व सौभाग्यशालिनः। स्वस्वामी योग महात्म्यात् सर्वे सौभाग्यशालिनः। अधीमास समुत्पन्ना अधीमास समुत्पन्ना कदाचित् पाण्डुनन्दना कदाचित् पाण्डुनन्दना। ये सारी वस्तुएं जो अभी गिनाई गई, ये सारी वस्तु स्वस्व स्वामी योग महात्म्य और सर्वे सौभाग्यशालिन, ये सभी वस्तुओं की संसार में समाज में बहुत महिमा है और ये सभी वस्तु बहुत पूजी जाती है। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर कोई स्वामी है, उनके ऊपर कोई अधिष्ठाता देव या देवी है, अर्थात ये सभी वस्तु किसी ना किसी के आश्रय में है। और एक बात याद रहे, जो किसी ना किसी के आश्रय में होता है ना, वही पूजा जाता है। हम और आप यदि किसी ना किसी के आश्रय में रहेंगे तो उस आश्रय वालों के लिए क्या कहते हैं, सर्वे सौभाग्यशाली न, तो हम सदैव सौभाग्यशाली रहेंगे। हमें हमारे जीवन के सौभाग्य को खोलना है तो हमें किसी ना किसी के आश्रय में रहना होगा, और सबसे बड़ा आश्रय है भगवान का, और भगवान से भी बड़ा आश्रय यदि किसी का है तो वो है गुरु का। यहाँ से बहुत सुंदर शिक्षा हम सबको जीवन में उतारने लायक कि हमें गुरु का आश्रय लेना चाहिए। जिसने गुरु का आश्रय लिया वो पूरी दुनिया में पूजा जाएगा। जिसने अपने गुरु का जितना दृढ़ता से आश्रय, तो हम सब ने लिया है, हम सब लोग किसी ना किसी गुरु के आश्रय में हैं, लेकिन कुछ लोग मेरी तरह नाम के आश्रय में हैं तो कुछ लोग गंभीरता से आश्रय में है ना। कॉलेज स्कूल में तो बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं लेकिन सिंसियरली गंभीरता से पढ़ने वाले कितने। ठीक उसी प्रकार सबसे पहले तो गुरु का आश्रय, और आश्रय दृढ़ता से है, पूर्ण विश्वास के साथ दृढ़ता से आश्रय लेना चाहिए। जब गुरु का आश्रय लेते हैं तो जीवन में सौभाग्य ही सौभाग्य होता है, सौभाग्यशाली न, और स्वस्व स्वामी योग महात्म्य उसकी महिमा बढ़ जाती है। गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम, गुरु के आश्रय से ही, गुरु की कृपा से ही शिष्य का परम मंगल हो सकता है। आप सब इस बात को जानते हैं, फिर भी पुनः याद कराऊं, प्रसंग आया है इसलिए कि कमल जो होता है वो जल में उगता है, कमल जल में उगता है लेकिन कमल को पोषण सूर्य देता है। सूर्य ऊपर से अपने तेज प्रकाश अपने तप से कमल को पोषण देता है, लेकिन सूर्य भी कमल को तब तक पोषण दे सकता है जब तक वो कमल उस जल में खड़ा है। जिस दिन कमल ने जल का आश्रय हटा लिया, जिस दिन कमल जल के आश्रय से बाहर निकल गया, तो जो सूर्य उसे पोषण कर रहा था वही सूर्य उसे शोष देगा, उसे सुखा देगा। शोष्यति रवि न पोष्यति। ठीक उसी प्रकार हम और आप जब तक, जैसे वो कमल पानी के आश्रय में है तब तक सूर्य से पोषण मिलेगा, हम और आप जब तक किसी गुरु के आश्रय में है हमें भगवान से और पूरी प्रकृति से पोषण मिलेगा। लेकिन हमने आपने यदि जैसे वो कमल जल के आश्रय से दूर हो गया तो पोषण करने वाला सूर्य ही उसका शोषण कर देता है। ठीक उसी प्रकार जिस दिन हम आश्रय से निकल गए तो उसी दिन स्वयं भगवान भी हमको बचा नहीं पाएंगे। इसलिए हम सबको बड़ी दृढ़ता से किसी ना किसी गुरु का आश्रय लेना चाहिए। गुरु आश्रय बहुत बड़ी चीज होती है। गुरु आश्रय प्राप्त किया हुआ व्यक्ति भगवान, भगवत प्रेम और भगवान को प्राप्त कर सकता है, अन्यथा समाज में उनकी बड़ी दुर्दशा होती है। हो सकता है थोड़ी बहुत प्रशंसाएं मिल जाए लेकिन जो आत्मा की उन्नति, जीवन का जो लक्ष्य है उससे हम चूक जाते हैं। इसलिए यहाँ पर
ये सारे लोग जो भी बताया गया, खड्डा भी बोरिंग भी, ये सब लोग किसी न किसी देवता का आश्रय ग्रहण किए हैं, इसलिए इनकी पूजा होती है। तो आश्रय की बड़ी महिमा यहाँ पर बताई गई। और अब भगवान कृष्ण कहते हैं कि इन सब का कोई ना कोई आश्रय था, किसी न किसी के आश्रित में थे। लेकिन एक दिन की बात, एकदा एक दिन की बात, अधिमास समुत्पन्न, अधिक मास समुत्पन्न, कदाचित पांडुनंदना, कदाचित पांडुनंदना। संसार में प्रकृति की सभी वस्तुएं किसी न किसी के आश्रय में थी, लेकिन एकदा कदाचित एक समय की बात, अधिक मास का जन्म हुआ। अधिक मास सम उत्पन्न, अब अधिक मास का जन्म कैसे हुआ, कब हुआ, ये तो हम लोग सुनते आए हैं, मतलब किस प्रकार से। लेकिन जब अधिक मास का जन्म हुआ तो आगे अगले श्लोक में कहते हैं, जब अधिक मास का जन्म हुआ तो तम ऊचु, उस अधिक मास को कहने लगे कौन, सकला लोका। इस लोक के सब लोग उस अधिक मास को कहने लगे कि अधिक मास, हम तो किसी ना किसी के आश्रय में हैं, लेकिन तुम किसके आश्रय में हो। अधिक मास ने कहा, भाई मैंने तो किसी का आश्रय, मेरी तो दीक्षा नहीं हुई है, मेरा तो कोई गुरु नहीं, मेरा तो कोई बाप नहीं है, मेरा तो कोई आश्रय नहीं है। तब तम ऊचू सकला लोका, सब लोगों ने उनको क्या कहा, असहायम, मतलब तुम असहाय हो, तुम्हारा कोई गुरु नहीं, तुम्हारा कोई आश्रय नहीं। जुगुप्सितम, जुगुप्सितम माने तुम निंदनीय हो, हमारी लोकल भाषा में कहूं तुम घटिया हो, कुछ काम के नहीं, असहाय, आश्रय नहीं होने के कारण जुगुप्सितम, तुम बड़े निंदित हो। और इसीलिए, क्योंकि तुमने किसी का आश्रय नहीं लिया, देखिए एक एक शब्द बड़ा महत्वपूर्ण, रसास्वादन करने लायक। तम ऊंचू सकला लोका, सब लोग उस अधिक मास को क्या कहने लगे, ये कथा कृष्ण अर्जुन को सुना रहा है, पांडव द्रौपदी सब लोग बैठे हैं, ऋषि मुनि बैठे हैं। तो असहायम, हे अधिक मास, तुम्हारा कोई आश्रय नहीं है, तुम किसी के अंडर में नहीं हो। जुगुप्सितम, इसलिए तुम निंदित हो, इसलिए अनअर्ह, तीसरी लाइन का प्रथम शब्द अनअर्ह, अर्ह माने पूजा। भागवत में श्लोक है ना, अर्हणम अच्युतेजिया, अच्युत अर्हणम, अर्हणम अर्ह माने पूजा, और अनअर्ह माने पूजा नहीं करने योग्य। तो अर्ह माने पूजा, और अनअर्ह माने तुम पूजा के लायक नहीं हो। हम सबकी पूजा होती है, दुनिया में हम सब लोग पूजे जाते हैं, लेकिन अधिक मास तुम असहाय, जुगुप्सितम, क्योंकि तुम किसी के आश्रय में नहीं हो, इसलिए अनअर्हो, तुम्हारी कोई पूजा वूजा नहीं होने वाली, और तुम्हारी कोई पूजा वूजा नहीं होने वाली, इसलिए तुम किसी काम के नहीं हो, तुम किसी बिल्कुल यूजलेस, किसी भी काम के नहीं हो, इसलिए मल मासो अयम, हम लोग तुम्हें मल मास कहेंगे, तुम मल के समान हो, इसलिए मल मासो अयम, हम तुम्हें मल मास कहेंगे। और रवि संक्रम वर्जिता, और तुम्हारे अंदर तो भाई कोई सूर्य की किसी भी प्रकार की संक्रांति भी नहीं है, सूर्य की कोई भी संक्रांति नहीं होने के कारण तुम्हारा नाम मलमांस है, और तुम में कोई पवित्र कार्य नहीं हो सकते, क्योंकि तुम्हारा कोई स्वामी नहीं। तो भक्तों, कुल मिलाकर स्वामी की बड़ी महिमा है। इस दृष्टि से देखे देखा जाए तो प्रभुपाद की हम पर कितनी कृपा है भक्तों, शिल प्रभुपाद ने हमें कितना बड़ा आश्रय प्रदान किया है। प्रभुपाद के विषय में कहते हैं कि जिन्होंने ऐसा घर बनाया प्रभुपाद ने, अब हमने जो घर बनाया उसमें कितने लोग रह सकते हैं, मियाँ बीबी बच्चे, हम दो, हमारे दो, दैट्स ऑल, खत्म, लाइफ फिनिश। लेकिन प्रभुपाद ने एक ऐसा आश्रय तैयार निर्माण किया जिसमें पूरा विश्व समा सकता है। श्रील प्रभुपाद की कृपा से हमें कितना बड़ा आश्रय मिला, हम कितने बड़े धनी हैं। कोई पूछे हमारा बाप कौन,
राधा गोविंद गोस्वामी महाराज, उसका बाप शिल प्रभुपाद, उनके भक्ति सिद्धांत सरस्वती, उनके गौर किशोरदास, उनके भक्तिविनोद ठाकुर, उनके जगन्नाथ बाबा जी रूप, सनातन विश्वनाथ चैतन्य महाप्रभु, करते करते सभी बाप के बाप कृष्ण, हम कृष्ण की परंपरा में है, ये है आश्रय। इसलिए भक्तों, इन परंपरा का आश्रय हम सबको लेना चाहिए। दास को ये विश्वास है कि जीवन में कोई योग्यता हो या न हो, ये तो दो पांच शब्द बोल लेते हैं, कुछ बोलना आए न आए, वेद शास्त्र सिद्धांत समझ में आए न आए, कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, शिल प्रभुपाद और ये ब्रह्म मध्व गौड़ीय धारा का यदि आश्रय ले लिया तो ठाकुर भक्ति विनोद कहते हैं, आश्रय लैया भजे, आश्रय लेकर जो भजन करता है, ताहे कृष्ण नाही त्यजे, उसे कृष्ण कभी नहीं त्यागते हैं। मतलब हम कृष्ण को त्यागना चाहे लेकिन कृष्ण हमको ऐसा पकड़ कर रखेंगे कि हम छोड़ना भी चाहे तो कृष्ण हमसे दूर नहीं जाएंगे। क्यों? यदि हम आश्रय में रहेंगे, आश्रय में रहेंगे। एटले तो हूँ घनी वार गुजराती में कहूँ चिन्मय प्रभु के उघाड़ा माथे नो फराई, गुरु ना ओढ़ना ओढ़ीने फराई। उघड़ा माथे फरीए तो जगत में बदनामी थाय, जगत में मात्र दंड अने दोष मळे, लेकिन गुरु के आश्रय में यदि रहेंगे, परंपरा के आश्रय में रहेंगे तो जीवन धन्य हो जाएगा। भजन थोड़ा सा कम हो ना, एक बार मंजूर है, लेकिन आश्रय को कभी ठोकर मत मारिएगा, आश्रय से कभी दूर मत होइएगा, क्योंकि कमल जब तक आश्रय में है, पानी में है, तब तक वो सेफ है, उसका पोषण सब कुछ है, लेकिन जिस दिन कमल का कनेक्शन जल से छूट गया, आश्रय से निकल गया, वो सूर्य जो कमल को पोषण कर रहा था वही जलाकर राख कर देगा, न उसमें सुगंध रहेगी न सुंदरता रहेगी। तो ये सारी महिमा जो है ना आश्रय की है। वैसा कुछ है नहीं हमारे अंदर, लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि प्रभु जी ये कहाँ पढ़ते होंगे, ये कैसे याद करते होंगे, कहाँ से लाते, कुछ नहीं है, मेरे पीछे मेरी परंपरा बैठी है और पूरी परंपरा का जोर, पूरी परंपरा का बल है और उसी बल से हम बलवान हैं और समाज में दो पांच शास्त्र के शब्द बोलने के कुछ लायक बने हैं। परंपरा और कुछ नहीं, आश्रय है। सो कुल मिलाकर भक्तों, आज अधिक मास से हमें ये आश्रय को समझना है कि छोटे छोटे खड्डे, नदी, सरोवर, तालाब, समुद्र, मैंने पूरा जो गिनाया, वो सब की पूजा होती है हमारे देश में। जो जड़ है उनकी भी पूजा होती है। क्यों? क्योंकि वो किसी ना किसी के आश्रय में है। और अधिक मास असहायम, असहायम माने आश्रय बिगर का होने के कारण जुगुप्सितम, वो निंदनीय था और अनअर्ह, उसकी कोई पूजा नहीं हुई और इसलिए उनको मल मास कहा गया और रवि संक्रांति वर्जिता। और इतना ही नहीं, आगे तो बड़ी बड़ी दुर्दशा देखिए, बिना आश्रय वालों की कितनी दुर्दशा होती है देखिए। अस्पृश्यो मलरूपत्वात् शुभे कर्माणि गर्हितः श्रुत्वे तद्वचनं लोकान् निरुद्योगो हत प्रभ, निरुद्योगो हत प्रभ। आप समझ रहे हैं, ये कथा तो आप सब जानते हैं, लेकिन मूल श्लोकों के साथ शब्दों का रसास्वादन करते करते इस कथा को सुनने में कितना आनंद होता है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, मूल को पकड़िए। जब मूल को पकड़ेंगे तो आजू बाजू की सारी बातें, सिद्धांत, फिलोसॉफी हमें सब समझ में आएगी। बाकी ये कथा सीधी सीधी हम लोग पढ़ लेते हैं, हम लोग सुन लेते हैं, लेकिन ये मूल में बड़ा रसास्वादन होता है। खैर, तो अधिक मास के विषय में लोगों ने और क्या कहा, कहते अस्पृश्य, इसको तो टच भी नहीं करना चाहिए। ये अधिक मास अस्पृश्य, अछूत, अनटच, टच नहीं करना है। क्यों? क्योंकि मल रूपत्वात, कोई मल को टच करता है तो ये मल रूपत्वात, ये तो मल के समान अस्पृश्य है, इसको कोई स्पर्श न करे। और शुभे कर्माणि गर्हित, और शुभ कर्म अधिक मास में कभी नहीं किए जाएंगे।
सभी लोगों ने अनाउंसमेंट कर दिया। इसलिए हम देखते हैं अधिक मास में कोई शुभ कर्म नहीं, न विवाह, न वास्तु, न घर का ओपनिंग, न कुछ, अधिक मास में कुछ नहीं होता। तो शुभे कर्माणि वर्जित, अधिक मास जो है शुभ कर्मों से वर्जित हैं। श्रुत्वे एतत् वचनम लोकात्, लोगों के इस प्रकार के वचन को अधिक मास ने सुना, श्रुत्वे सुना, क्या सुना, एतत्, ये सब वचनम, वचनों को, लोगों के, ये सब वचन, दुनिया वालों के लोगों के वचन को अधिक मास ने सुना, तो क्या हुआ, निरुद्योगो हतः प्रभः। अधिक मास कैसा हो गया, निरुद्योगो, निरुद्योग माने वैनो गुजराती मारी पास परफेक्ट शब्द है, बिल्कुल नकामा हो गया, नकामो, साव कहीं काम वगैरह, निरुद्योग माने बिल्कुल नवरा, नकामा मतलब कुछ काम का नहीं। अधिक मास अपने आप को बिल्कुल यूजलेस समझने लगा, और हत प्रभ, अधिक मास की प्रभा, प्रभाव, उसकी अंग शक्ति, कांति, सब कुछ खत्म हो गई, नष्ट हो गई। तो यहां पर दास को एक चीज समझ में आती है कि निरुद्योगो हत प्रभ, अधिक मास जो था ना वो हताश हो गया, उनका मूड जो था बिल्कुल ऑफ हो गया, उनके उनके शरीर में, उनके मन में कुछ करने की कामना भावना खत्म हो गई, और बिल्कुल तेज विहीन हो गया। इसका कारण तीसरी लाइन के प्रथम शब्द में देखिए, श्रुत्वे एतद् वचनम लोकात्, लोगों के वचन को सुनकर अधिक मास का उत्साह डाउन हो गया। यहां पर मैं आपको एक बात अवश्य कहूंगा कि दुनिया वालों की बात इतनी ज्यादा मत सुनिएगा, क्योंकि श्रुत्वे एतद् वचनम लोकात्, दुनिया वालों की बात श्रुत्वे सुनोगे तो हत प्रभ, आपका उत्साह हत अवश्य होगा, क्योंकि दुनिया वालों का तो काम ही है कहना। यदि हमें सुनना है, जीवन में उतारना है, तो गुरुजनों की बात, साधु संतों की बात, महात्मा की बात हमें सुननी चाहिए। लोकान, लोगों की बात, समाज की बात सुनकर हमें कभी हताश नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या करें, बेचारा अधिक मास हताश हो गया। और क्या हुआ, और आगे कहते हैं, दुखान अन्वितो खिन्न मना, अधिक मास दुखान, श्लोक बदल गया है, दुखान, दुखी हुआ, और अधिक तो खिन्न मना, और मन खिन्न हो गया, चिंताग्रस्त, अधिक मास चिंताग्रस्त, और एक मानस, मन अनकंट्रोल हो गया, और मुमूर्चुर अभवे तेन हृदयेन विधूयता, मुमूर्षु, मुमूर्षु भवत्तेन, मुमूर्षुर भवत्तेन, अर्थात मरणासन स्थिति में आ गया, मरने जैसी हालत हो गई। देखिए, जिसको कलेजा होता है ना, उसको बदनामी पसंद नहीं होती, बाकी बिना कलेजे वाले की कितनी भी बदनामी हो उसको कुछ लेना देना नहीं होता, लेकिन इनका तो दिल था, जब बदनामी होती है तो अच्छा नहीं लगता, तो बदनामी हो रही थी, इसलिए दुखी हुआ, खिन्न मन हुआ, चिंताग्रस्त, मन अनकंट्रोल, और मुमूर्षु मरणासन स्थिति पर पहुंच गया। हृदयेन विदुयता, उनका हृदय विदीर्ण हो गया, हृदय पर समाज वालों ने बड़ा प्रहार किया, कुछ काम का नहीं, ये है मल के समान, कुछ नहीं होगा। जब इस प्रकार की परिस्थिति मल मास की, अधिक मास की हुई, तब उसने एक काम बहुत अच्छा किया जो हमें सीखना चाहिए। जब अधिक मास को समाज में इस प्रकार से किया गया, तो उन्होंने एक ये कार्य बहुत बढ़िया किया। पश्चाधैर्य समालंब्य, पश्चात धैर्यम समालंब्य, माम असो शरणम गत, माम असो शरणम गत। जब अधिक मास के जीवन में बड़ा दुख हुआ, बड़ा कष्ट हुआ, संसार के लोग उलाहना देने लगे, तब पश्चात कुछ समय तो अधिक मास थोड़ा सा डिप्रेशन में रहा, लेकिन कुछ समय डिप्रेशन में रहने के बाद धैर्य, उसने धैर्य धारण किया, समालंब्य, और उसने सोचा कि मेरे जीवन में प्रॉब्लम इसीलिए है ना कि मैं किसी की शरण ग्रहण नहीं किया, मैंने किसी का आश्रय ग्रहण नहीं किया, यदि किसी का आश्रय ग्रहण कर लूं तो मेरा काम हो जाएगा। इसलिए पश्चात धैर्यम समालंब्य, ये अधिक मास जो था, ये कथा कौन किसको सुना रहे हैं,
कृष्ण अर्जुन को सुना रहे, कहां पर? वनवास के दौरान। तो कृष्ण क्या कहते हैं कि अधिक मास धैर्य धारण करके माम, हे अर्जुन, माम असो, असो माने कृष्ण दिखा रहे थे अपने चरण को कि अधिक मास माम असो शरणम गत, अधिक मास मेरी शरण में आया, ये बंदे ने काम अच्छा कर लिया। समाज में बड़ी बदनामी हुई, उलाना हुई, लोगों ने बहुत कुछ कहा, लेकिन बुद्धिमानी का काम अधिक मास ने क्या किया? अर्जुन वो सबको छोड़कर माम असो शरणम ग्रत, अर्थात मुझ कृष्ण की शरण में गया, मुझ कृष्ण की शरण में आया। इस संसार में शरण लेने लायक यदि कोई है तो वो भगवान कृष्ण है। और इस कथा से आप अंदाजा लगा सकते हो कि अधिक मास जिसकी कितनी बदनामी हुई आप ये श्लोकों में देखा, और वही अधिक मास आज कितना पूजनीय हो गया। इसका कारण माम असो शरणम गत, अर्जुन उसने मेरी शरण ग्रहण की। आपको केवल ये दो चीज देखनी है कि एक और अधिक मास कितना गर्हित, जिसको मल कहा गया, मल के समान, और दूसरी ओर अधिक मास सभी महीनों का राजा बादशाह हो गया, जिसमें हम पवित्र पवित्र कार्य करते, पुरुषोत्तम हो गया। इसका एक ही कारण कि इतना गया गुजरा मास कृष्ण की शरण में गया, तो कृष्ण ने अपने मस्तक पर बिठा दिया, अपने मस्तक का आभूषण बना लिया। हम और आप कुछ काम के नहीं, जन्म ना जायते शूद्र, हम सब लोग जन्म से सब शूद्र है इस संसार में, जीवन में यह देह यह शरीर कुछ काम का नहीं, लेकिन यदि हम कृष्ण की शरण ग्रहण करें तो कृष्ण भी हमें अधिक मास की तरह, पुरुषोत्तम मास की तरह प्रभाववान, महिमावान बना देंगे। सो कुल मिलाकर अधिक मास ने भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण की, और इस अधिक मास में माम असो, ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि इस अधिक मास में अन्य कोई देवी देवता भी नहीं, अन्य कोई मनुष्य नहीं, इस अधिक मास में माम असो अर्जुन मुझ कृष्ण की शरण ग्रहण करने का विधान है। सो इस अधिक मास में ज़्यादा से ज़्यादा भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करें, कृष्ण का नाम लें, कृष्ण की कथा सुने और अपने जीवन को धन्य करें। और अधिक मास की तरह जैसे अधिक मास पूरे भूमंडल को पवित्र करता है, वैसे कृष्ण की शरण लेने वाला भक्त भी पूरे भूमंडल को पवित्र कर सकता है। कृष्ण की भक्ति करने वाले भक्त स्वयं अधिक मास है, भक्त एक एक सेपरेट अधिक मास है, अधिक मास की तरह महिमावान है। कारण माम असो शरणम गतः, क्योंकि भगवान कृष्ण की शरण। सो कुल मिलाकर हमें भगवान श्री कृष्ण की शरण लेनी चाहिए, क्योंकि शरण लेने लायक इस संसार में एकमात्र कृष्ण। उद्धव जी ने यहाँ तक कहा कि पूतना राक्षसी मारने के लिए कृष्ण के पास गई थी, लेकिन कृष्ण ने उनको माँ बना लिया। कम्बा दयालुम शरणम ब्रजेम, इससे बड़ा दयालु कृपालु भगवान ईश्वर दुनिया में कहाँ खोजने जाओगे। तो सबसे अधिक दयालु कृपालु कृष्ण है। हमारी भावना को, हमारी मनोभावना को, हमारे फीलिंग्स को समझने वाला कोई व्यक्ति तो एकमात्र कृष्ण है। इवन हमारे रिलेटिव हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे पति पत्नी सब कुछ है, लेकिन ये भी एक सर्टन लेवल तक हमको समझ सकते हैं, और समझने के बाद भी कर क्या सकते हैं, लेकिन हमारी प्रत्येक फीलिंग्स को समझने वाले कृष्ण है, और समझकर उनका प्रत्युत्तर करने वाले कृष्ण है। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम की शरण ग्रहण करें, जीवन को धन्य करें।